हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूल वाले मैथ्स के अंदर। दोस्तों इस वीडियो के अंदर अपन आज कक्षा 9 की मैथ्स बुक का चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दो चर वाले रैखिक समीकरणों के अंतर्गत प्रश्नावली 4.3 के क्वेश्चन नंबर 6 का हल देखने वाले हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आपको कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक मैथ्स के ऑल चैप्टरों का वीडियो सॉल्यूशन चाहिए तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर जाइए, वहां पर प्रत्येक चैप्टर का वीडियो सॉल्यूशन दे रखा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी इंतजार के। तो आज का क्वेश्चन है कि एक असर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड के द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। देखो यहाँ पर ये क्या कहना चाहता है, कंसेप्ट को समझिए कि एक असर बल लगाने पर मान लीजिए ये कोई पिंड है, ठीक है। अगर इस पिंड के ऊपर इस दिशा के अंदर बल लगाया जाए तो ये पिंड इस दिशा के अंदर क्या करने लग जाएगा, गति करने लग जाएगा। क्या करने लग जाएगा, गति। अगर इस पिंड के ऊपर ऐसे बल लगाया जाता है तो ये पिंड गति करता हुआ इस स्थान पर पहुंच जाएगा। अब ये क्या कह रहा है कि बल लगाने पर पिंड द्वारा किया गया कार्य, अगर यहाँ पर इस पिंड के ऊपर बल लगाया जाता है, फोर्स लगाया जाता है, तो ये पिंड क्या करेगा, ये यहाँ से इस स्थान से यहाँ तक आ गया, मतलब इसने दूरी तय की है। क्या तय की, ये दूरी तय की है। दूरी तय की मतलब इसके पिंड के ऊपर जब बल लगाया गया है तो इसने कार्य किया है। क्या किया है, कार्य किया। फिर ये कह रहा है तो अगर इस पिंड ने बल लगाने पर कार्य किया है तो ये कह रहा है किया गया कार्य पिंड की तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। अब कंसेप्ट है दूरी और कार्य का, यानी किया गया कार्य है ये दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि दूरी के अनुक्रमानुपाती होता, ये जो दूरी है इस दूरी के अनुक्रमानुपाती कौन है, कार्य है। इस एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। अब ये दूरी का अनुक्रमानुपाती का मतलब ये होता है अगर यहाँ पर कार्य को मान बढ़ाएंगे आप तो दूरी भी बढ़ेगी, कार्य बढ़ेगा तो दूरी भी बढ़ेगी, अगर कार्य का घटता है तो दूरी भी घटेगी। कहने का अर्थ ये है कार्य बढ़ेगा तो दूरी बढ़ेगी, कार्य घटेगा तो दूरी घटेगी। मतलब अगर आप यहाँ पर फोर्स लगाते हैं एक असर फोर्स, तो यहाँ पर फोर्स लगाने पर क्या होगा, अपने द्वारा कार्य करेंगे बल लगाए, मतलब अपन कार्य किया है, अब यहाँ पर जो बल लगाएंगे कार्य करेंगे, अगर कार्य करेंगे तो सीधी सी बात है दूरी भी बढ़ेगी। अगर ये पिंड है इस पर पिंड पर कोई फोर्स लगाया ही नहीं जाए, कोई कार्य किया ही नहीं जाए, तो क्या दूरी बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। कहने का अर्थ है अगर फोर्स बढ़ेगा मतलब कार्य बढ़ेगा, कार्य किया है तो ही दूरी तय होगी, ठीक है। तो इसने ये दे रखा दूरी अनुक्रमानुपाती मतलब समानुपाती है कार्य के। समानुपाती का मतलब ये होता है अगर दूरी बढ़ेगी तो कार्य भी बढ़ेगा और दूरी घटेगी तो कार्य भी घटेगा, ठीक है। अब इसको प्रश्न हल कैसे करना है देखिए। तो यहाँ पर दो बातें दे रखी हैं, एक दे रखी है कार्य और एक दे रखी है दूरी दे रखी, ठीक है। तो अपन ये करते हैं हल, माना इसको मानते हैं, माना माना पिंड द्वारा किया गया कार्य, किया गया कार्य। अब मान लीजिए पिंड द्वारा किया गया कार्य y मात्रक है, कितना है y मात्रक है, तो पिंड द्वारा अगर कार्य किया है तो पिंड दूरी भी तय करेगा। फिर लिखेंगे पिंड द्वारा तय की गई दूरी, पिंड द्वारा तय किया गया कार्य y है, पिंड द्वारा तय की गई दूरी x मात्रक है, कितनी है x मात्रक है। अब पिंड द्वारा तय किया गया कार्य, अब वापस सवाल पढ़िए क्या दे रखा है, एक असर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब कार्य दूरी के अनुक्रमानुपाती है प्रश्न के अनुसार ये कह रहा है कार्य दूरी के, मतलब कार्य अनुक्रमानुपाती है किसके, दूरी के। यहां पर कार्य कितना है, यहाँ पर किया गया कार्य y है तो कार्य की जगह में y, अनुक्रमानुपाती दूरी कितनी है x, मतलब कहने का अर्थ है कि y अनुक्रमानुपाती x। अब हमेशा ये ध्यान रखना, अब इसका मतलब क्या हुआ, y का मान बढ़ेगा तो x का भी मान बढ़ेगा, y का मान घटेगा तो x का मान भी घटेगा। एक बात ध्यान रखनी,
ये अनुकर्मानुपाती का चिन्ह हटाना चाहते हो तो यहाँ पर कोई भी एक असर राशि रखिए और फिर यहाँ पर अनुकर्मानुपाती की जगह बराबर का चिन्ह आएगा, मतलब y बराबर, यहाँ पर अनुकर्मानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए यहाँ पर कोई एक असर राशि आ गई के एक्स, वाई बराबर के एक्स। अब ये कह रहा है कि असर बल 5 मात्रक लेना है, जो अपन को असर बल है वो कितना लेना है, 5 मात्रक का लेना है, मतलब यहाँ पर के का मान कितना लेना, असर बल जो समानुपाती का चिन्ह हटाया था यहाँ पर के आया था, अब इससे असर राशि का मान लेना है 5 मात्रक, तो मैं ये लिख दूंगा वाई बराबर के की जगह 5 और एक्स। अपन को अब ये समीकरण प्राप्त हो गया, क्या प्राप्त हो गया, समीकरण। तो यही तो पूछा गया था कि दो स्वर वाले रेखिक समीकरण, दो स्वर वाले रेखिक समीकरण के रूप में गया, असर बल ले लिया 5 मात्रक का, इसका आलेख खींचना है कि यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक है, अब पिंड द्वारा तय की गई दूरी है 2 मात्रक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पिंड द्वारा, यदि कहिए पिंड द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, 2 मात्रक है, मतलब ये हुआ अपन को अब एक्स बराबर, यदि यदि पिंड द्वारा, पिंड द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी कितनी दे रखा है, तो पिंड द्वारा तय की गई दूरी कितनी, एक्स है बराबर एक्स। अब ये कह रहा है एक्स नहीं, आपको 2 मात्रक लेने, एक्स बराबर कितना लेना है, एक्स बराबर 2, एक्स बराबर 2 रखूंगा तो समीकरण क्या प्राप्त हो जाएगा, वाई बराबर 5x और वाई बराबर 5 × 2 करोगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, मतलब एक्स का मान 2 तो वाई का मान कितना प्राप्त हो गया, 10 प्राप्त हो गया। फिर ये कह रहा है आप ये कीजिए कि इसमें एक्स का मान 0 मात्रक लीजिए, दोबारा दूसरी बार क्या लेना है, 0 मात्रक, तो मैं अगर यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी यहाँ पर 0 लेता हूँ, मतलब x बराबर 0 ले रहा, तो समीकरण बराबर प्राप्त हो जाएगा y इंटू 5x, 5 के गुणा 0 के साथ करोगे तो भी 0। ये कथन सत्य आपने पढ़ा था, अगर ये पिंड है, इस पिंड के ऊपर कोई कार्य नहीं किया गया है तो दूरी क्या होगी, दूरी तय कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पर कार्य का मान 0 आ रहा तो दूरी का मान भी 0 आना, ये बात स्वाभाविक है, तो मतलब x और y दोनों का मान कितना हो गया, 0 प्राप्त हो गया। अब आप एक सारणी बनाइए और सारणी के अंदर x और y के मान लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये सारणी बना दिया, x का मान सर्वप्रथम इसने बोला गया है 2 मात्रक लिया, और 2 मात्रक लेने पर हमें y का मान 10 प्राप्त हुआ, फिर x का मान 0 लिया तो y का मान भी 0 लिया। अब इसको क्या करना, आलेख में दर्शाना है, तो आलेख में कैसे दर्शाएंगे, सर्वप्रथम अपन एक इस प्रकार से बना देंगे, ठीक है, यहाँ पर अब अपन को 10 बिंदु तक लेना है, ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, ये है वाई एक्स, ये होता है एक्स एक्स, और ये है एक्स डैस, और ये है वाई डैस, ठीक है, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये मूल बिंदु O है। अब अपन को क्या करना है, ये कह रहा है एक्स बराबर 2 लीजिए, ये एक्स रहा, एक्स बराबर 2, 1 और 2, ये एक्स का मान 2 और वाई का मान 10, तो ऊपर की तरफ जाइए, यहाँ से अपन जाएंगे तो यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, ये मतलब बिंदु कौन सा अपन को ये प्राप्त होगा, इस बिंदु के निर्देशांक कितने हुए, सबसे पहले निर्देशांक एक्स का मान 2 और वाई का मान 10, इस बिंदु के निर्देशांक, दूसरा लेना 0 0 पर, 0 0 पर मतलब मूल बिंदु हो जाएगा, और इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 0 और 0। अब इन दो बिंदुओं को मिलाना आपस में, जब आप इस दो बिंदुओं को आपस में मिलाएंगे इस प्रकार की एक रेखा प्राप्त होगी, हाँ, और ये किसकी है, वाई अनुकर्मानुपाती एक्स, किसकी, वाई अनुकर्मानुपाती एक्स की, दो बिंदु दे रखे, दोनों बिंदु के मूल बिंदु हो गया। अब यहाँ से देखिए क्या कहा गया है, यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी ये हो तो पिंड आलेख से किया गया कार्य ज्ञात कीजिए, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, आलेख द्वारा किया गया कार्य कितना वाई है और वाई का मात्रक मान हमने ज्ञात कर लिया, यदि पिंड के द्वारा, अब नीचे आप किया गया कार्य ज्ञात कीजिए यहाँ लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर मिटा करके लिख रहा हूँ क्योंकि अपन को कार्य भी ज्ञात करना है। सबसे पहले ये पिंड के द्वारा 2 मात्रक की दूरी तय की गई है, तो अपन ये लिखेंगे यदि यदि पिंड द्वारा, पिंड द्वारा तय की गई दूरी, यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक है तो पिंड द्वारा किया गया कार्य, इधर देखिए, यदि पिंड के द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक लेने को बोल रहा, तो पिंड के द्वारा किया गया कार्य क्या था, पिंड के द्वारा किया गया कार्य वाई,
दो लिया तो वाई का मान कितना आया 10। तो आप ये कह सकते हो तो यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी दो मात्रक है तो पिंड द्वारा किया गया कार्य 10 मात्रक होगा। कितना होगा? 10 मात्रक होगा। इसी प्रकार से सेकंड लाइन और है, वो भी लिखने में ये मिटा रहा हूँ, सेकंड का उत्तर दे रहा हूँ। सेकंड में ये कह रहा है पिंड के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? 0 लेनी है। कि यदि यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 0 मात्रक है तो पिंड द्वारा किया गया कार्य भी कितना होगा? 0 मात्रक ही होगा। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।